वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग है वो ये है कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि टेम्परेरी हेयर स्ट्रेट किस तरीके से कर सकते हैं हम सेल्फ। तो आज का मेरा ये वीडियो है सेल्फ स्ट्रेटनिंग पर। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को। तो अच्छी तरीके से हेयर को कर लेना है कॉम इस तरीके से। इसमें हमें अप्लाई करना है हेयर सीरम। हम हेयर सीरम किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं करूँगी यहाँ पर स्ट्रिक्ट का, मुझे ये सीरम बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो करती हूँ इसका यूज। अच्छे से निकाल लेनी है जितनी ड्रॉप्स इसकी चाहिए और अच्छे तरीके से अपने हेयर को करना है अप्लाई इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से हेयर को कर लिया है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद, कॉम करने के बाद इसको मैं इसमें कर लूँगी मैं लेजर से तब हेयर को। और ये जो बचे हुए हेयर हैं हमको जो भी करना है इसमें करना है काम, इसको भी हमें पतली पतली लेयर में, ये नहीं कि हमें पूरी लेयर लेनी है, पतली पतली लेयर में कॉम्ब को इस तरीके से रख के और फिंगर को इस तरीके से। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लिप्स का स्ट्रेटनर और स्ट्रेटनर को इस तरीके से लगाकर आराम आराम से लेंथ में इस तरीके कम से कम 7 से 8 बार हमें इसी तरीके से स्ट्रेटनिंग देनी है इस तरीके से। फिर अगेन इसमें करनी है कॉम्ब, इसमें फिंगर को इस तरीके से अटका के ड्रेसिंग। और जो नीचे का जो पॉइंट होता है इसमें अच्छे तरीके से करनी है, उसको हो लेना और फिर इन हेयर को पीछे करना है इस तरीके से। पतला सेक्शन ले रहा है, पतला सेक्शन लेके फिर इसको अगेन हेयर को ऊपर टक कर लेना है। हेयर टक करने के बाद इस तरीके से 2-3 बार कॉम्ब अच्छे से करनी है। फिर कॉम्ब को उल्टा करके इस तरीके से सिंगर से कैंची बनानी है और इसको इस तरीके से करना है। बहुत आराम आराम से स्ट्रेट करना है इस तरीके से, बहुत आराम आराम से इस तरीके से नीचे तक 7 से 8 बार हमें इसी तरीके से स्ट्रेटिंग करनी है। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं अभी आपको इसमें पता चल जाएगा कि इस साइड के हेयर हम देखें और इस साइड के ये अभी स्ट्रेट नहीं हुआ। कम से कम 10 बार इसी तरीके से 7 to 8 टाइम इसी तरीके से रिपीट करना है। कंप्लीट और मैंने इनको कर लिया है बैक में, आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैं इस तरीके हेयर को ओपन करूँगी अगेन इस तरीके से लेकर के कर दूँगी तब।
इसको मैंने एक बार ही ऐसा कर लिया था, इसमें मैं अब अप्लाई करूँगी सीरम अगेन यही इस टाइप, इसको अप्लाई करूँगी इस तरीके से दोनों बाग में, ताकि इसमें जो है इस फेसिंग के बाद भी साइन आए, तो अच्छा सा साइन आए। फिर हम अप्लाई कर, फिर मोटे मोटे सेक्शन, जैसे अभी हमने पतले पतले सेक्शन लेके हेयर स्ट्रेट किया था, अब हमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे सेक्शन ले लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से करी हेयर स्ट्रेट, हमारे हेयर स्ट्रेट करने के बाद बालों में बहुत अच्छा सा एक साइन आ जाता है। और इस साइन को जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की जो साइन है वो किससे आती है, सीरम से आती है। सीरम से हमारे हेयर को हार्म भी नहीं पहुँचता, तो जब भी हम अपने हेयर को स्ट्रेट करें तो इसी तरीके से सीरम अप्लाई करके अपने हेयर को इजीली घर पर ही स्ट्रेट कर सकते हैं टेम्परेली। ये स्ट्रेटिंग जो होती है वो होती है टेम्परेली ओनली, जैसे हमें कहीं पार्टी फंक्शन या किसी भी चीज़ में जाना है तो जल्दी जल्दी से हम घर पर ही इस तरीके से बाल को स्ट्रेट करके जा सकते हैं और एक नया सा अच्छा सा लुक अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। अपनी वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।